18 दिनों में चौथी मुठभेड़। ये लखनऊ पुलिस को हो क्या गया है? अरे यार, आज ये दोनों सुल्तानपुर से आएंगे इसकी खबर बाहर के किसी और को नहीं थी, फिर भी पुलिस को पता चल गया। अरे उसको किसी ने देख लिया होगा, वैसे भी उसको बहुत चटक मटक पहनने की आदत थी, वैसे में कोई भी पहचान सकता है भैया। नहीं, ये जिस तरह का एनकाउंटर था उसकी सारी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। पुलिस जानती थी कि ये लोग कब और कहां आएंगे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिली कैसे? हाँ बोल। अरे पैसा देके भेज उसको, इसमें पूछना का है? हाँ नहीं, अभी हम भैया के साथ हैं, आने में वक्त लगेगा। और सुन, उसको वहां से फोन करने के लिए बोलना। हेलो हेलो, पलागो कुमार। और सेठ को बोलना हमने बाटा के शोरूम में उसको बुलाया है, 2 घंटा बाद अकेले आए। और सुन, कहा हुआ भैया? बाद में बात करते हैं। कहा हुआ? संभल के बात किया करो, बहुत संभल के। अब कैसी है तबीयत? ठीक है अनामिका, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार शरीर बता देता है कि बुढ़ापा आ गया है। वैसे बीमार पड़ने का एक तो फायदा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, वरना आप तो हमें भूल ही गई थी। हम तो परसों दिन में आए थे, अब सो रही थी। सुलांकी का होगा, आप प्लीज देख लेंगी? हाँ। हेलो, कौन बोल रही है? जी मैं अनामिका। हाँ जानते हैं तुमको, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हो ना? बता देना अपने उस एसएसपी को, छोड़ेंगे नहीं हरामजादे को, जल्दी ही उड़ा डालेंगे। अभी भी वक्त है, अपना ट्रांसफर करवा ले, नहीं तो लखनऊ में साले की चिता जलेगी, कोई नहीं बचा पाएगा उसको, समझे? हेलो अनामिका, क्या हुआ, किसका फोन है? कुछ नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। अनामिका, इस तरह के फोन आते रहते हैं। हाँ, पर ये ठीक लोग नहीं है जय। इसीलिए तो हम जैसे लोगों की जरूरत है जो ऐसे लोगों को ठीक कर सके। काफी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। श्री हरिप्रसाद सिंह भारत के उन एनआरआई उद्योगपतियों में से एक हैं जिन्होंने यूरोप और अमेरिका के मार्केट्स में अपनी साख स्थापित की है और अपनी तमाम सफलताओं के बावजूद अपने वतन के साथ रिश्ता कायम रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार उनके इसी अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें जागरण ह्यूमैनिटी फाउंडेशन अवार्ड से सम्मानित करने जा रही है। पर ये सम्मान देने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे। लखनऊ की बगल में एक छोटा सा कस्बा है पीपिया, उसमें एक गरीब किसान रहता था। उसका एक लड़का पढ़ने लिखने में तो बहुत अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक तंगी के कारण आगे पढ़ने में असमर्थ। उसी कस्बे में एक जमींदार रहते थे, बड़े धर्मात्मा। उन्होंने खुद आगे आकर उस गरीब किसान के बेटे की पूरी परवरिश का खर्चा उठाया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई उस गरीब किसान लड़के ने उस जमींदार के इकलौते बेटे के साथ की। बचपन से जवानी तक के लंबे सफर में कभी भी उस जमींदार के बेटे ने उस गरीब किसान लड़के को उसकी हैसियत नहीं जताई, एकदम भाई की तरह रखा। देवी और सज्जनों,
आज वही गरीब किसान का बेटा आपका मुख्यमंत्री है, और आज इसी वक्त उस जमींदार के बेटे का सम्मान करने जा रहा है। कपूर, ये इस देश का सौभाग्य है कि इसको इसके राजनेता नहीं बल्कि हम जैसे ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, नहीं तो इस सिस्टम का क्या हाल होता ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। रहने दो, मैं बना लूंगा। थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद आज एक कमजोर पोजिशन में हैं। आज की तारीख में सत्ता पार्टी और सहयोगी दलों के पास 405 सीटों की असेंबली में मात्र 218 सीटें हैं। एक कमजोर स्थिति है, एंड वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। दूध जी, मेरे पास रामनाथ मिश्रा का एक ऑफर आया है। वो अपने 29 विधायकों और पूरे राजनीतिक बाहुबल के साथ रूलिंग कॉलिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि उनके साथ ये गठबंधन हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर उनकी एक शर्त है। आपकी चाय। जी। चाय की चुस्कियों के बीच ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एसएसपी अजय कुमार के तबादले की बात की। नए शासनिक रिश्ते की एक छोटी सी कीमत थी और उभरते राजनीतिक माहौल की एक बुनियादी जरूरत। लखनऊ के सियासती दांव पेच से अच्छी तरह से वाकिफ एडीजी साहब ये जानते थे कि हिकमतारों के इस हुक्म को टाला नहीं जा सकता। ये ट्रांसफर हम सब के लिए जरूरी है। आपने सोच लिया है तो फिर ठीक है सर, लेकिन रामनाथ मिश्रा जैसे पॉलिटिशियन का सपोर्ट पाने के लिए अगर हमें अजय कुमार जैसे अफसर का ट्रांसफर करना पड़े तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर। इसको समझने के लिए दूरदर्शिता की जरूरत है एडीजी साहब, फोरसाइट। आप अभी तक गए नहीं तिवारी जी? पिछले एक महीने से कुछ आदतें छूट सी गई हैं, घर जाना भी उनमें से एक है। क्या कर रहे हैं? मैं गजराज के फोन डिटेल्स को स्टडी कर रहा था। अब जब भी वो लखनऊ से बाहर फोन करता है तो सिम कार्ड बदल लेता। ये देखिए, इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर तो वही है लेकिन IMSI बदला हुआ। चलो अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि उसका मोबाइल टैप हो रहा है। ये इसको आप इफ यू डोंट माइंड अंदर रख सकते हैं। शो कोई प्रॉब्लम है? मुझे ऐसी चीजों को देखकर थोड़ी घबराहट होती है, मैं ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। मैंने सोलंकी और वैद्यनाथ से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो इस तरह की चीजें अपने पास ही रखें तो बेहतर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत नहीं, बस आप कंफर्टेबल रहें। आपकी चाय ठंडी हो रही है। जी, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये कुछ कॉल्स की डिटेल्स हैं। तिवारी जी ने परसों 4 टेलीफोन नंबर्स पर सर्वेलेंस लगवाया था। ये तीसरा नंबर गोमती नगर चौक के PCO का है। दुबे का आना जाना है, वहाँ सारे आउट ऑफ स्टेशन कॉल्स वो यहीं से करता है। सुना है आज 11 बजे वो फिर आने वाला है। लेट्स गो। तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ही था और अमेरिकन इकॉनमी अपने पैरों पर खड़े होने जा रही थी। उस वक्त एक 22 साल के हिंदुस्तानी नौजवान के सपनों के लिए अमेरिका जैसे देश में गज्जू भैया हम और दुबे जी थोड़ी देर पहले गोमती नगर PCO गए थे। हुआ, हुआ, हुआ,
पुलिस भी आ गई बिना किसी वार्निंग। उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गजबिया दुबे जी स्पॉट पे। वैसे भी ये फैसला तो खुद से किया ही था कि जो सोचा है वो हासिल करेंगे और उससे जुड़ी जो तमाम दिक्कतें और मुश्किलें होंगी उनसे जूझेंगे भी। मेरा ये मानना है कि आदमी का जीवन एक कभी खत्म नहीं होने वाला संघर्ष है। कल का क्या करें? कैंसिल करवाएं? दुबे के बिना तो वैसे भी मुश्किल होगी। नहीं, अभी कैंसिल किया तो जो भी पोजीशन मार्केट में बनाए हो सब खत्म हो जाएगी एक झटके में। कल का प्रोग्राम रखो, बाकी सोचेंगे। हरिप्रसाद सिंह जी, आज के यंग जनरेशन के लिए आपका कोई मैसेज? जी, जय हिंद। गजराज सिंह के गिरोह ने लखनऊ के बोटानिकल गार्डन्स के सामने आज तड़के करीब 6:30 बजे एनआरआई उद्योगपति हरिप्रसाद सिंह की हत्या कर उनके 10 साल के पोते राहुल सिंह का अपहरण कर लिया। सफेद रंग की सीएलओ कार में सवार अपहरणकर्ताओं ने एचपी सिंह और उनके पोते को तब घेरा जब वे सुबह की सैर के लिए निकले थे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार जब एचपी सिंह ने इसका प्रतिरोध किया तो गजराज ने उन पर AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी। उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हरिप्रसाद सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रघुवीर सिंह के बचपन के मित्र थे। अंतिम संस्कार के लिए हरिप्रसाद के पार्थिव शरीर को उनके गांव पीपिया ले जाया गया।